भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, हम दो हमारे दो को और किसान को गरीब आदमी को इन्हें मान सम्मान के साथ इन्हें घर वापस भेज दे, तीनों कानून वापस ले लें और MSP का गारंटी बना दे। हम खुशी खुशी इसकी जय बोलते हुए अपने घर चले। मैं पहले 15 दिन रह गया, 15 दिन बीच में चला गया, फिर 15 दिन आ गया। 15 दिन के बाद मेरा चौथा चक्कर है ये। 15 दिन घर, 15 दिन यहाँ बीत जाते हैं। अब मैं घर से जब चला हूँ आज 27 को, तो मेरा विचार है कि होली मेरी एक मेरा पर्व त्योहार है हिंदू धर्म का, होली और दीपावली। अब मेरी इच्छा, जब हर कोई खुशी में होली और दीपावली अपने घर मनाता है, जब सरकार के ऐसी काले कानून सुन करके हमें होली आज दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मनाएंगे, इसलिए मैं घर से चलकर गाजीपुर बॉर्डर आया हूँ। अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान यही है, जब तक हमारे ये राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत जी जो आगे को कारकानी करेंगे, कहेंगे कि साल भर रुकना है, 6 महीने रुकना है, 4 साल रुकना है, तो इसी तरह से हम आते रहेंगे और जाते रहेंगे। घर का भी कार्य देखेंगे और आंदोलन भी देखेंगे। आज ये देखिए आप, एक बात है कि इस त्योहार का पर्व त्योहार होली का दिन, हर कोई इंसान हिंदू धर्म में अपने घर भागता है कि मैं होली घर मनाऊंगा, और हम लोग होली पर अपना घर छोड़कर गाजीपुर बॉर्डर पर आए, तो इसलिए हम काले कानून के खिलाफ में होली घर नहीं मनाएंगे, हम होली गाजीपुर बॉर्डर पर ही मनाएंगे। सब हाथ आरा खोल कर धर दे तो गंगा जी की किस्मा उठाए, और 12 साल ते पहले छूले तो हने दिए मैया प्राणे। और क्या हरे सब हथियार खोल के रे धरे दे तो नहते भैया पंडवाराए। लानी यही है, आंदोलन चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। अब होली में क्या करेंगे? हैं जी, होली का क्या रहेगा? होली कल मनाऊंगा, आज 35 ट्रैक्टर लेकर आए हैं। अच्छा, हाँ जी, होली यही मनाऊंगा। सरकार तो सुन नहीं रही है, मान ही नहीं रही है, तो कुछ भी मानने की एक दिन। अच्छा, हाँ जी, सरकार को मानना पड़ेगा। जिसका गुना नहीं था वही बात हो गई, जिसका गुना नहीं था वही बात हो गई, और तेरी शहर शहर न रही रात हो गई, और इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे पूरे दिनों की शुरुआत हो गई, तेरे पूरे दिनों की शुरुआत हो गई। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा जी, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, हम दो हमारे दो को और किसान को गरीब आदमी को इन्हें मान सम्मान के साथ इन्हें घर वापस भेज दे, तीनों कानून वापस ले लें और MSP का गारंटी। हम खुशी खुशी इसकी जय बोलते हुए अपने घर चले। अच्छा, जब तक यहीं पर ही रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, 4 साल और जी हो चाहे, तो सारे त्योहार जो भी है बिल्कुल यहीं मनाऊंगे। अच्छा, को पूरी सब्जी पूरी सब्जी यहीं बनेगी, और 35 ट्रैक्टर है, आप पुल के नीचे चलकर देखो, अभी 1 घंटे पहले आकर रुके हैं हम। होली मनाने के लिए आए हैं स्पेशल, बिल्कुल होली का त्यौहार है। मतलब जैसे मोदी सरकार तो मान नहीं रही है ना, उन्होंने तो सरकार ने तो बिल्कुल ढील छोड़ दी है, वो तो ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार नहीं मान रही है तो हम इसी तरह से बैठे रहेंगे। हाँ, 4 साल ऐसे ही बताएंगे उनकी सरकार, 4 साल 24 में इलेक्शन है उन्होंने मोदी जी का, 4 साल तक हम इसी तरह से आंदोलन चलाने के हमारे टिकैत जी का आदेश है, उसी आदेश पर हम चलते रहेंगे। हाँ, आगे कटाई आ रही है, कटाई के समय हम घर भी जाने आए और फिर कटाई करके 15 दिन बाद के अंदर फिर भी यहीं हमें आना है। ये सरकार ना सोचे कि आंदोलन कमजोर हो गया, आंदोलन कभी कमजोर नहीं है। क्यों? आंदोलन
किसान के बजाय हम किसान हैं, घर भी जाएंगे और यहाँ भी आएंगे, आंदोलन भी देखेंगे, घर खेती भी देखेंगे। भाई अपना परिवार बच्चे कैसे पालेंगे हम, तो खेती भी देखनी है हमें और आंदोलन भी देखना है। इसी तरह से बराबर हम जो है जब तक हमारे काले कानून वापस ना होंगे तब तक हम इसी तरह से यहाँ बैठे रहेंगे। जब ते में तेरी अवध में आओ सब पर जाओ।